हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, हमने कुछ समय पहले दो वीडियो अपलोड की थी, एक छतरी से दो सेटअप बॉक्स कैसे चलाएं और एक सेटअप बॉक्स से दो टीवी कैसे चलाएं, उन पर हमने दो वीडियो बनाई थी। तो उसके ऊपर ही हम पूरी डिटेल बताने वाले हैं। आपने जो भी कमेंट की थी उन सभी कमेंट का जवाब भी देने वाले हैं, आपके जो भी डाउट थे उन सबको क्लियर करने वाले हैं, और आपके लिए कौन सा बेहतर रहेगा दोनों में से तो वो भी बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले घंटे को दबा देना ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुँच सके गाइस, ठीक है। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले एक छतरी से आप एक एंटीना होता है उससे दो टीवी कैसे चलाएं, ठीक है। तो भाई इसी में एक 500 रुपये का एक आता टू पिन लगाने का, तो उसमें क्या होता है दोनों पिन लग जाती दोनों सेटअप बॉक्स की और दो सेटअप बॉक्स चल जाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है आप दोनों सेटअप बॉक्स में आप कौन सा चैनल देख सकते हो, दोनों सेटअप बॉक्स कंट्रोल होते हैं, दोनों टीवी में अलग अलग चैनल अलग अलग आप चैनल देख सकते हो और आवाज़ आप सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है आपने मान लीजिए एक रिचार्ज वाला सेटअप बॉक्स लगाया हुआ है, दूसरा फ्री वाला सेटअप बॉक्स लगाया है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है गाइस, आप कौन सा भी सेटअप बॉक्स लगा सकते हो, आप दोनों में दोनों अच्छे से काम करेंगे, ठीक है। और दूसरा वाला है गाइस, उसमें क्या है इस सेटअप बॉक्स वाले में जो वीडियो डाली थी मैंने गाइस, एक छत से दो सेटअप बॉक्स चला है, तो इसमें एक कमेंट थी गाइस, उसमें कहा गया था कि हमारा एक सेटअप बॉक्स टाटा स्काई का और रिचार्ज वाला है, तो दूसरा कौन सा दें जिससे क्या है दोनों फ्री चल सकें, एक रिचार्ज से दोनों सेटअप बॉक्स चल सकते हैं। तो ऐसा नहीं होगा गाइस, दोनों सेटअप बॉक्स में रिचार्ज कराना होगा आपको, अगर आप नहीं करवाते तो एक सेटअप बॉक्स आप फ्री वाला लगा सकते हैं गाइस, ठीक है। तो दूसरी वीडियो पर बात करते हैं हम गाइस, उसमें था एक सेटअप बॉक्स आप दो टीवी कैसे चलाएं, ठीक है। तो एक सेटअप बॉक्स आप दो टीवी चलाएंगे गाइस, तो उसमें होगा क्या आपके सेटअप बॉक्स एक ही होगा गाइस, तो एक ही सेटअप बॉक्स से पिन केबल जाएगी दूसरे टीवी तक तो कनेक्ट हो जाएगी, तो आप एक टीवी में जो भी आवाज़ करोगे चैनल करोगे वो दूसरी टीवी में होगा, ठीक है। मान लीजिए आपने एक टीवी में एक चैनल लगाया हुआ है कोई भी फिल्म का, तो वही चैनल दूसरी टीवी में चलाएगा गाइस, ठीक है। तो दूसरी टीवी में आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, सिर्फ देख सकते हो, ना तो आवाज़ कम कर सकते हो, ना ज़्यादा कर सकते हो, ना चैनल चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये सब कंट्रोल होगा गाइस एक ही टीवी से जहाँ पर सेटअप बॉक्स लगा हुआ है। तो इसमें होता क्या गाइस, हमें प्रॉब्लम ये होती है गाइस, क्योंकि दोनों टीवी में अलग अलग चैनल देखने वाले होते हैं, सबकी पसंद अलग अलग होती है, तो परेशानी आती है इसमें। ये तरीका क्या है ज़्यादा सक्सेस नहीं होता है गाइस, तो इसमें परेशानी आती है। तो आप सभी के लिए अच्छा तरीका वही है गाइस, एक छतरी से आप दो सेटअप बॉक्स चला सकते हैं, उसमें क्या होता है एक एंटीना की बचत हो जाती है आपकी, उसका भी खर्चा आता है 400-500 रुपये का, वो बच जाते हैं गाइस। आपको दो सेटअप बॉक्स लगवाने होंगे, उससे क्या होता है दोनों टीवी अलग अलग चैनल चलेंगे, अलग अलग आवाज़ चेंज कर सकते हो, सब कुछ होता है गाइस। और अगर आप एक सेटअप बॉक्स से दो टीवी चलाओगे तो उसमें आपको परेशानी होगी, मान लीजिए एक भी फिल्म देख रहे हो और दूसरे में नाटक वाला कोई नाटक देखना चाहता तो वो नहीं देख सकता गाइस। और मान लीजिए एक टीवी में आप फुल आवाज़ करके गाना सुन रहे हो, दूसरी टीवी में फुल आवाज़ में गाना चलेंगे, वो प्रॉब्लम होगी गाइस। तो वो तरीका अच्छा नहीं है, क्योंकि हमने भी वो लगाया था पहले, एक सेटअप बॉक्स से हमने एक छतरी से हमने दो टीवी चलाई है तो वो सक्सेस गया है गाइस, और एक सेटअप बॉक्स से दो टीवी चलाई है तो वो ज़्यादा दिन तक नहीं चला पाए हम, हमने 10-15 दिन में ही हमने चेंज करवाना पड़ा है गाइस, क्योंकि बहुत परेशानी आती है उसमें। तो इस वीडियो में हम यही कमेंट लेकर आए थे आपके, आपने जो भी कमेंट किया था सबका जवाब इसमें शामिल कर दिया गाइस, ठीक है। तो आपको जो भी डाउट है आप इस कमेंट कर सकते हो, इस चैनल पर जाकर कमेंट में जाकर हम उसका आपका सबका जवाब दे देंगे गाइस कमेंट में। हमने अभी तक ऐसी भी कोई भी कमेंट नहीं छोड़ी जिसका जवाब नहीं दिया है, हम हर एक कमेंट का जवाब देते हैं गाइस, हम इसीलिए ऑनलाइन रहते हैं, आपकी जब भी कमेंट आती है हम जवाब देते हैं गाइस, और ज़्यादा कमेंट बड़ी होती है तो उस पर वीडियो बना देते हैं गाइस, ताकि आपको कोई को किसी को परेशानी ना हो, नहीं होती है गाइस इससे। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना और शेयर करना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।